हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड एसेस चैप्टर 17 पार्ट टू। पार्ट वन में हम बताया चीज़ें अलग अलग प्रकार का जो फॉरेस्ट होता है वहाँ पे जो वेजिटेशन ट्री प्लांट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते थे कर रहे थे। और फर्स्ट हम बताएं पहले स्टार्ट वन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वन नंबर में उसके बारे में देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिडिटी रीजन फेयर एनुअल रेनफॉल एक्सीड 200 cm एंड टेम्परेचर इज मोर देन 22 डिग्री सेल्सियस। ये हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, इसका बारे में कुछ ना कुछ देता रहता है, तो एक इजी चैप्टर है। बताए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है वो हॉट जगह में ये फॉरेस्ट होता है। यहाँ पे वेयर एनुअल रेनफॉल बारिश सालों हिसाब से होता है, कौन सी साल में कितना कौन सा एनुअल रेनफॉल जिसको बोलते हैं, एक साल में एक बार बा एक महीना इस तरह होता है। एक्सीड 200 cm एंड टेम्परेचर वो बारिश कितना 200 एक्सीड हिसाब से होता है cm हिसाब से और टेम्परेचर उसका 22 सेल्सियस डिग्री रहता है। सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो होता है वेस्टर्न तरफ से वो थोड़ा ज़्यादा बारिश होता है और वेस्टर्न घाट लक्षद्वीप अंडमान निकोबार आइलैंड अपर रीजन ऑफ आसाम का कोस्टल तमिलनाडु का कोस्टल एरिया में इसमें थोड़ा ज़्यादा रेनफॉल होता है। ट्रीज फाउंड हियर आर महोगनी ओबनी रोजवुड रबर ऐसा ट्री वहाँ पे होता है। कैरेक्टरिस्टिक दिया ट्री हियर आर अबाउट 60 मीटर टाल और इवन मोर, एक एक ट्री 60 मीटर टाल होते हैं, लंबा होते हैं भी उससे ज़्यादा भी होता है। देर इज इन मोर ह्यूमिडिटी ड्यू टू स्क्रूप देर इज नो सीजन हियर लाइक ऑटोमन एज दीज ट्रीज आर एवन ग्रीन द फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड। तो उसने बोला जो ट्री होते हैं वो 60 मीटर से लंबा होते हैं उससे भी ज़्यादा होता है और यहाँ पे जो ऑटोमन सीजन आता है नो सीजन हियर लाइक ऑटोमन सीजन वहाँ पे दिखते नहीं और ट्री एवर हमेशा ग्रीन रहता है। द फॉरेस्ट आल्सो कॉल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट वाला ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन बारे में उसका देखा, जनरली सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन रिसीविंग अबाउट 70 to 200 cm रेनफॉल। साल में 70 टू स्टार्ट करके 200 cm तक जो बारिश होता है और वो फॉरेस्ट वहाँ पर होते हैं। सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ और ईस्ट स्टेट में ये देखने मिलता है। हिमालयन फुट हिल्स वेस्टर्न ओडिशा छत्तीसगढ़ झारखंड ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न घाट विंध्य एंड सतपुड़ा रेंज देर इज ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस फॉरेस्ट इन इंडिया। अभी जो जो जगह बता गया आपको उस जगह पर ज़्यादा से आपको ये देखने फॉरेस्ट देखने मिलता है। ट्रीज मेजर ट्रीज फाउंड हेयर टिक ट्री होता है, साल ट्री होता है, शीशम ट्री और सैंडलवुड खैर व उसको एकासिया बोला जाता है, एकासिया केचू बम्बो ट्री ये सब ट्री, ये भी बहुत बड़े बड़े ट्री है, बहुत लंबे लंबे ट्री होता है, ये सब ट्री वहाँ पे देखने ज़्यादातर मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे, ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रीज हियर इज दैट द ट्रीज शेड देयर लीव्स फॉर 6 to 8 weeks ड्यूरिंग ऑटोमन यहाँ पे 6 to 8 weeks तक होता है। एवरी स्पेसिस
species has a different time to set the leaves, so all the trees are never without leaving during any particular season. As these trees set their leaves according to the season, these are also called monsoon forest. उसको मॉनसून फॉरेस्ट बोला जाता है। इस जगह में से 6 to 8 युग तक कटोमन होता है और सीजन हिसाब से ट्री का जो लीफ होता है जिस तरह होना चाहिए वो वहाँ पे होता है। ऑटोमन सीजन में जैसे ट्री से लीफ छूट जाता है, सब लेफ्ट हो जाता है, और बाद में जब मॉनसून सीजन आता है वहाँ से होता है, तो उस तरह पर इस तरह है वहाँ पर होता है। ओके, नेक्स्ट 3 नंबर में आएगा डेजर्ट वेजिटेशन, ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दे देखो। जनरली सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन रिसीविंग लेस देन 1700 cm, 70 cm से कम बारिश होता है साल में। उसको दिस आर फाउंड इन नॉर्थ एंड वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ एंड वेस्टर्न रीजन में देखने मिलता है। ज़्यादातर स्टेट का नाम होता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एट्सेट्रा, ये सब स्टेट में आपको देखने मिलेगा ये फॉरेस्ट जो कि 70 cm से कम बारिश होता है। ट्री कौन सा ट्री उसमें होता है ना, जुजुबे, एकासिया, काक्टोस, खिजड़ू एट्सेट्रा, ये सब ट्री वहाँ पे कमन देखने मिलता है। द रूट ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स हियर आर लॉन्ग डीप, बहुत गंभीर तक उसका जो ट्री का जो रूट होता है बहुत गंभीर तक जाता है, अंदर तक जाता है। एंड वाइड स्पैड लीव्स आर शॉर्टर व्हिच रिजल्ट इन स्लोअर एवा ट्रांसपोरेशन प्रोसेस, उसका जो लीफ बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसका जो रूट होता है बहुत डीप मतलब अंदर तक जाता है। ओके, उसके बाद 4 नंबर देखेगा टेम्परेचर फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड फॉरेस्ट हिमालय वेजिटेशन, ये हिमालयन तरफ से देखने मिलता है। हाइट बहुत लंबे लंबे, अच्छा 1000 to 2000 meter हाइट उसका। एरिया ये बताया, आप टेबल अच्छी तरह से पढ़ोगे आप समझ में आएगा। एरिया हाई माउंटेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल एंड माउंटेन्स एरिया ऑफ फॉरेस्ट, उसको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं। ट्री देखने मिलता है ओके ओक एंड चेस्टनट, और 1500 to 3000 meter तक हाइट का पेड़ रहता है। ये उत्तराखंड में होता है, साउथर्न स्लोप ऑफ हिमालय हायर एरिया में देखने मिलता है। ये कन्फ्यूरियस फॉरेस्ट है, पाइन, सयाल, सिल्वर, फायर, सब ये सब ट्री उसको देखने मिलता है। 3600 meter एंड मोर, उससे भी ज़्यादा हाइट वाला है। तो अब साउथ एंड ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न हायर ले अल्टीट्यूड हिमालय एंड नियर स्नो वहाँ पे देखने मिलता है। अल्पाइन एंड सट ग्रास फॉरेस्ट फॉरेस्ट का नाम है, और सिल्वर फायर एंड ब्रिज ऐसा ट्री वहाँ पे देखने मिलता है। ओके, टीडल फॉरेस्ट जिसको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोला जाता है। टीडल फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द डेल्टा रीजन ऑफ रिवर्स एलॉन्ग द कोस्ट, दिस फॉरेस्ट आर फाउंड एलॉन्ग गुजरात कोस्ट, ये फॉरेस्ट कहाँ देखने मिलता है, गुजरात कोस्ट में, एंड इन द मर्सी लैंड अलॉन्ग बे ऑफ बंगाल कोस्ट ट्री सुंदरी एंड चेर ट्री, उसको कौन सा ट्री देखने मिलता है यहाँ पे, सुंदरी एंड चेर ट्री देखने मिलता है। ओके, तो स्टूडेंट्स और सब फॉरेस्ट का बारे में आपको बता गया, और अच्छे से इस लेसन को पढ़ा करो, इजी लेसन है। एंड आई विल बी मीट यू नेक्स्ट वीडियो।